गायत्री रसोई में आपका स्वागत है। आज हम चुकंदर और गाजर से हलवा बनाने वाले हैं। गाजर चुकंदर का, गाजर का तो हलवा हमेशा बनाते रहते हैं, लेकिन आज हम चुकंदर और गाजर दोनों को मिला के हलवा बनाएंगे। इसमें प्रोटीन, विटामिन और आयरन से भरपूर रहता है। जिसको खून की कमी रहती है उसके लिए चुकंदर उसको खाया जाता है। तो इस तरह से हलवा बना के भी खा सकते हैं। तो देखते हैं उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले इस तरह से देखिए, चुकंदर ले लिए हैं और एक गाजर ले लिए हैं। इसके बाद में फिर ये दूध है, दूध पका हुआ 250 ग्राम दूध है। थोड़ा से किशमिश लिए हैं 2 बड़े चम्मच, और 2 चम्मच ये काजू लिए हैं। काजू को आधा को छोटे टुकड़ों में काटे हैं, आधा को बड़े टुकड़ों में काटे हैं। और ये बादाम भी लिए हैं आधा कटोरी। 1 चम्मच इलायची पाउडर है, और करीब 150 ग्राम ले लिए हैं ये चीनी है। और घी ये हलवा बनाने के लिए घी ले लिए हैं। जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना डालेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये चुकंदर है। चुकंदर को ऐसे काट लेना रहता है दोनों तरफ से। इसके बाद फिर इसको इस तरह से छील लेते हैं। छीलने के बाद इसको जो घिसनी आता है उसमें घिस के इसको तैयार कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, ये चुकंदर को, ये गाजर को और चुकंदर को इसी तरह से इसको घिस के ले लिए हैं। अब इसका हलवा चलिए बनाते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से एक पैन चढ़ा दिए हैं, उसमें थोड़ा सा घी पहले डालना है, और घी को मेल्ट कर लेते हैं। इसके बाद फिर ये ड्राई फ्रूट है, इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। तो बादाम और काजू को भून लेते हैं। इस तरह से इसको भून लिए हैं, थोड़ा सा भूनना है इसको। इसको अलग कर लेते हैं भून के। किशमिश को भी थोड़ा सा भून ले रहे हैं। इसको बस थोड़ा सा भूनना रहता है, ऑप्शनल है। इसको नहीं भूनेंगे फिर भी ये चल जाता है। इसके बाद फिर इसमें 1 चम्मच घी डाल दिए हैं, और घी को पहले मेल्ट होने देते हैं। घी हमारा देखिए मेल्ट हो गया है। तो इसके बाद फिर ये चुकंदर है और ये गाजर है, उसको अच्छी तरह से घिस के ले लिए हैं। तो इसको धीमी आंच में ही भुनना है पहले। इस तरह से देखिए, ये थोड़ा देर इसको भून लिए हैं। अब इसके बाद इसमें दूध डाल देते हैं। इसको दूध डाल के अच्छी तरह से इसको पका लेते हैं। इस तरह से देखिए, इसको पका लिए हैं अच्छी तरह से दूध को। अब इसमें चीनी डाल देते हैं। इसको चीनी को डालने के बाद में इसको फिर पकाना है। अभी ये थोड़ा चीनी मेल्ट हो जाएगा तो गीला हो जाएगा, तो इसको अच्छी तरह से और पकाना है। ये देखिए, इसमें चीनी डालने के बाद ये चीनी पिघल गया था। उसके बाद फिर उसको अच्छी तरह से पका लिए हैं, सुखा लिए हैं। अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। गैस के फ्लेम को बिल्कुल धीमा रख, और ये किशमिश है इसको भी डालना है। फिर इसके बाद इलायची पाउडर डालना है इसमें, और सब चीज़ को डाल के मिला लेना है अच्छी तरह से। इस तरह से देखिए, हमारा हलवा बन के तैयार हो गया। अब गैस को बंद कर देते हैं, और इसके बाद फिर सर्व कर लेंगे। इस तरह से देखिए, गाजर और चुकंदर का स्वादिष्ट हलवा बन के तैयार हो गया है। ये पूरी तरह से आयरन से भरपूर रहता है, खून की कमी दूर करता है। तो इस तरह से ठंडी के मौसम में या कभी भी गाजर का और चुकंदर का हलवा बना के ज़रूर खाएँ। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।